सब्सक्राइब कीजिए होम कुक चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मिल सके हमारे सारे रेसिपीज सबसे पहले। हाय एवरीवन, वेलकम टू होम कुक्ड। आज हम लोग बनाने वाले हैं अरवी और गोश्त का शोरबा। ये सालन बहुत ही टेस्टी बनता है और आप इसे चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये हल्का सा खट्टा होता है। अरवी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है, स्पेशली आँखों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में लिस्टेड है। कभी कभी अरवी छिलने से हाथ में इचिंग हो सकती है, तो इसीलिए ग्लव्स पहन लीजिए या हाथों को कवर कर लीजिए। अरवी को हम आलू की तरह ही छिलेंगे और बड़े पीसेस में कट कर लेंगे, इस तरह से। इसे पानी में रखेंगे ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो। प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे तेल, बारीक कटी हुई प्याज, दो से तीन मिनट तक इसे भून लीजिए, थोड़ा सा नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट। जब तक पकाइए जब तक इसकी रॉ स्मेल चली जाए। मटन प्रिफरेबली विद बोन्स। दो से तीन मिनट तक भून लीजिए। इसमें ऐड करेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और इसे 5 से 10 मिनट तक भून लीजिए। इसमें ऐड करेंगे टमाटर, हरी मिर्च ऐड कीजिए, करी पत्ता ऐड कीजिए, और टमाटर थोड़े से मशी हो जाए जब तक भून लीजिएगा। पानी इतना ऐड करना है जिससे मटन पूरी तरह से कवर हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और प्रेशर कुकर की 3 सीटी आने तक पकने दीजिए, 3 से 4। ये देखिए मटन ऑलमोस्ट गल चुका है, एक बार चेक कर लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अरवी जो हमने छिल के रखी थी। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें ऐड करेंगे इमली का खट्टा, खटास आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा, पानी इतना ऐड कीजिए जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, और कवर करके 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि अरवी पूरी तरह से गल जाए। ये देखिए अरवी कंप्लीटली गल चुकी है, चेक कर लीजिए फोक से या टूथपिक से चेक कर लीजिए। और फाइनली ऐड करेंगे चॉप्ड कोरिएंडर। तो ये रहा हमारा अरवी का शोरबा। ये मैंने हैदराबादी स्टाइल में बनाया है। अगर आपने कभी ये ट्राई किया है या खाया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू सून। बाय बाय।